हेलो बच्चों, वेलकम टू नेल्सन्स प्राइमरी स्कूल। और आज हम फिर से अपनी कक्षा शुरू करते हैं हिंदी की, जिसमें पाठ पढ़ेंगे हम 11 और उसका नाम है दोहे। दोहे उन दो लाइनों में, चार लाइनों में जिंदगी का सार बताने वाली दो लाइनें। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं हम आज दोहे। बच्चों, तो पहले हम देखेंगे कठिन शब्द, क्योंकि दोहों में अनेकों, कई सारे कठिन शब्द आते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं उन शब्दों को। तरु, तरु अर्थात होता है पेड़। प्रकृति, स्वभाव, नेचर। कुसंग, बुरे लोगों का संग या साथ। व्याप मतलब फैलाव। उद्यम मीन्स परिश्रम या मेहनत। रसरी मीन्स रस्सी। रूठना, नाराज होना। मुक्ताहार मतलब मोतियों का हार। और चढ़मती मीन्स मूर्ख। अब हम देखेंगे शब्द अर्थ, यानी शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग्स। का करी सकत मतलब क्या कर सकता है। भुजंग मीन्स सांप। रवि अर्थात सूर्य और सूरज। सुजान मतलब अच्छे लोग, सज्जन मनुष्य। पंडित अर्थात विद्वान। सरोवर, ये सरोवर को कहा गया है यहाँ, तालाब। विष जहर। धूरी अर्थात धूल। संचयी मतलब जमा करना या जमा करते हैं। आवत जातते आने जाने से। पोइए मतलब पिरोइए, जो मोतियों को हम पिरोते हैं माला में एक थ्रेड में वो। टका अर्थात रुपया। तो बच्चों, अब हम पाठ पढ़ेंगे अपना 11 दोहे। पाठ का प्रकार है पद। तो बच्चों, यहाँ दोहे में दो लाइनों में जिंदगी का सार बताया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला पद। सरूर फल नहीं खात हैं, सरवर पी न पान। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तरुवर अर्थात वृक्ष, सरवर अर्थात सरोवर। संचय ही मतलब संचय करना, सुजान मतलब सज्जन। बच्चों, यहाँ कहा गया है कि तरुवर जो है, वृक्ष है, वो अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीती, वो दूसरों के लिए होते हैं सब कुछ। वैसे ही रहीम जी यहाँ कहते हैं कि जो सुजन यानी सज्जन पर मनुष्य होते हैं, वो अपनी संपत्ति खुद के लिए अकेली नहीं रखते, वो लोभी नहीं होते, वो दूसरों के हित के लिए भी अपनी संपत्ति का संचय करते हैं और उसे यूज करते हैं। अब देखते हैं हम दूसरा पद। यौं रहीम सुख होत है उपकारी के अंग, बाटन वारे को लगे ज्यो मेहंदी को रंग। बच्चों, यहाँ रहीम जी ने कहा है कि जैसे मेहंदी के पत्तों को जब हम पीसते हैं तो उस मेहंदी का रंग पीसने वाले के हाथों में भी लग जाता है, उसी प्रकार यदि हम किसी अन्य का, किसी दूसरे का अच्छा करते हैं तो हमें, हमारा अपने आप अच्छा होता है, हमारे साथ खुद ब खुद कुछ अच्छा होने लगता है। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं तीसरा पद। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी कसकत कुशंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो बच्चों, यहाँ देखिए प्रकृति यानी नेचर, आपका स्वभाव। कुसंग, कुसंग मतलब बुरी संगति। विष यानी जहर। भुजंग अर्थात सर्प, तो सर्प और सांप। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, जहरीले होते हैं, पर फिर भी चंदन अपना ठंडक का जो स्वभाव है, अपना ठंडक देखने की जो आदत है वो नहीं छोड़ता, खुशबू देने की जो आदत है वो नहीं छोड़ता, अपना स्वभाव नहीं बदलता, सांपों के साथ होने पर भी, लिपटे रहने पर भी। उसी प्रकार उत्तम प्रकृति अर्थात अच्छे लोग, अच्छे नेचर वाले लोग, अच्छे स्वभाव वाले लोग अपनी कुसंगति यानी बुरे लोगों के बीच में भी रहकर अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते, वो वैसे ही रहते हैं जैसे वो होते हैं। अगर बुरे लोगों के साथ वो हैं तो
तो भी वो बुरे नहीं बनते। बच्चों अब हम देखेंगे चौथा पद, जो मूर्ख निंदा करे पंडित की नहीं हानि, रवि पर धूरी उड़ाइए परे अपुन पर आनि। बच्चों यहाँ रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार रवि अर्थात सूर्य, धूरी मतलब धूल, परे मतलब पड़ना, अपुन मतलब खुद पर, तो बच्चों अगर आप धूल सूरज पर फेंकोगे, सूरज पर उड़ाओगे, तो वो धूल आपके ऊपर ही आके गिरेगी, इससे आपका ही बुरा होगा। उसी प्रकार एक मूर्ख मनुष्य अगर पंडित अर्थात ज्ञानी इंसान की बुराई करता है बैठ के, तो उससे उसकी ही हानि होगी, उससे उसका जो पंडित है जिसकी वो बुराई कर रहा है उसकी कोई हानि नहीं होगी, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो बच्चों उसी प्रकार हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी है बैठकर, हमें खुद से खुद में हुई बुराइयों को खत्म करना है, दूसरों पर उंगली नहीं उठानी है, खुद पर उंगली उठानी है, हमें देखना है कि हमारे अंदर क्या बुराई है और उसे खत्म करना है। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं पांचवा पद कि पांचवे पद में हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है। पांचवे और छठवें पद में हमें विद्या और हमारी मेहनत, हमारी हार्ड वर्क में हमें किस प्रकार सफलता मिलती है विद्या के लिए, तो देखते हैं बच्चे। पढ़िबे में मन दीजिए, विद्या हो भरपूर, गुरु की सेवा कीजिए, मनते छल करी दूर। तो बच्चों यहाँ रहीम जी कहते हैं कि गुरु जी की जो सेवा है हमें हमेशा मन से छल अर्थात कपट को दूर करके करनी चाहिए, हमें कोई भी काम छल से नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार हमें पढ़ने में मन देना चाहिए, जी लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। अगर हम जी लगा के पढ़ाई करते हैं, दिल से पढ़ाई करते हैं, तो विद्या हमें भरपूर आएगी, हमें विद्या बढ़ जाएगी, हमारा ज्ञान बढ़ेगा। इसी प्रकार छठवें पद में देखते हैं कि विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यो पंखा को पौन। बच्चों यहाँ कहा गया है कि उद्यम अर्थात हार्ड वर्क, डुलाए मतलब हिलाना, पंखा हाथ में पकड़ने वाला पंखा की बात यहाँ हो रही है, डंडी में जो पंखा बनता है वो, पौन मतलब पवन। जिस प्रकार रहीम जी कहते हैं, जिस प्रकार हाथ का पंखा जब हम हाथ में लेते हैं उसे हिलाना पड़ता है, तब जाके उसका पंखे की हवा हमें लगती है, वो सिर्फ पकड़े रहने से हमें हवा नहीं लगेगी, हमें उसे हिलाना पड़ेगा पंखे को, तब जाके हमें हवा लगेगी और वो हवा से हमें आनंद प्राप्त होगा। उसी प्रकार विद्या सिर्फ यूं ही बैठे रहने से नहीं आएगी, विद्या धन उद्यम बिना, उसे उद्यम अर्थात उसे पढ़ना पड़ेगा आपको बार बार, उसके लिए आपको परिश्रम करना होगा, उद्यम अर्थात परिश्रम करना पड़ेगा। विद्या के धन को प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, हमें दिल लगा के पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बिना हमें नहीं प्राप्त होगा। कहो जो पावे कौन अर्थात कहिए जी कौन प्राप्त करेगा विद्या का धन, बिना मेहनत के कोई प्राप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार किसी भी काम करने के लिए, किसी भी काम को पूरा करने के लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चों यदि आप विद्या चाहते हैं तो हमें उसके लिए आपको खुद परिश्रम करना होगा, बैठे बैठे नहीं प्राप्त होती विद्या। बच्चों अब हम देखेंगे सातवां पद, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात बच्चों यहाँ रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार कुएं में हम पानी भरते हैं, उस रस्सी का उस पत्थर पे जिस प्रकार निशान पड़ जाता है बार बार आने जाने से, यदि एक पत्थर पे एक रस्सी का निशान बार बार घिसने से पड़ सकता है, तो यदि हम अभ्यास बार बार किसी चीज़ को पढ़ेंगे, बार बार किसी चीज़ को मथेंगे, तो वो जाकर हमें समझ में आएगी। और जड़मती इंसान अर्थात मूर्ख मनुष्य भी बुद्धिमान और सुजन बन सकता है। तो बच्चों करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान अर्थात बार बार अभ्यास करने पर एक मूर्ख इंसान भी, एक जड़मती इंसान भी सुजन बन सकता है। जैसे कि
कुएं में जो पत्थर होता है उस पर से यदि रस्सी बार बार निकलती है, बार बार आती जाती है तो उसका निशान बन जाता है उसी प्रकार। अब देखते हैं हम आठवां पद। कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले केतिक सींचो नीर। बच्चों कारज धीरे होत है, कारज अर्थात काम, काम धीरे होता है, काहे होत अधीर, क्यों अधीर होते हो, क्यों बेचैन हो रहे हो। यदि काम होगा वो समय से जरूर होगा। जिस प्रकार यदि आप पेड़ में तरुवर फले, तरुवर अर्थात वृक्ष को अगर आप कितना भी पानी डाल दो, केतिक सींचो नीर अर्थात कितना भी पानी डाल दो, एक साथ अगर आप भर के डाल दोगे तो वृक्ष कभी भी बड़ा नहीं हो जाएगा, ना ही वो फल देने लगेगा। वो अपने समय के अर्थात अपने समय के हिसाब से ही वो बड़ा होगा और फल देगा। इसी प्रकार काम में उतावल मत करो, काम को करो और देखो कि उसका फल आपको जरूर मिलेगा, बस आप काम करते जाइए। अब देखते हैं नवा पद। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रही मन फिर फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। बच्चों यहाँ पे मुक्ताहार अर्थात मोतियों की वो माला बताई गई है जो बहुत ही महंगी गिनी जाती है। तो बच्चों कहा गया है कि अगर हमारे सज्जन सुजन, हमारे फैमिली मेंबर्स हो या हमारा फ्रेंड हो या हमारे कोई सज्जन मित्र जो भी हमारे पहचान का है, अगर वो हमसे रूठ जाते हैं तो हमें उन्हें 100 बार भी मनाना पड़े तो हमें मना लेना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार मुक्ताहार का एक मोती भी यदि गायब हो जाता है, खो जाता है, तो वो मोती का शेप बन, वो हार का शेप प्रॉपर नहीं बनता, वो अच्छा नहीं बन पाता और वो अधूरा रह जाता है। इसी प्रकार हमें हमारे जीवन में यदि हमारा कोई भी इंसान रूठ जाता है तो हमें उसे मना लेना चाहिए, उसे रूठे नहीं रहने देना चाहिए। इसी प्रकार अब हम देखेंगे 10वां पद। बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। बच्चों यहाँ रहीम जी ने कहा है कि जिस प्रकार एक हीरा वो कभी चिल्ला चिल्ला के नहीं कहता कि मेरा भाव या मेरा मूल्य लाखों का है, मैं इतना महंगा हूँ, मैं इतना प्रेशियस हूँ, उसी प्रकार कभी भी कोई भी बड़ा इंसान, ज्ञानी इंसान कभी नहीं कहता कि मैं बड़ा हूँ या मैं बहुत ही मूल्यवान हूँ, मैं इतना महान हूँ। वो खुद से खुद की बड़ाई नहीं करता। इसी प्रकार बच्चों हमें कभी भी खुद से खुद की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा अपना काम करते रहना चाहिए। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको सारे पद समझ में आए होंगे कि किस प्रकार हमें विद्या प्राप्त होती है, किस प्रकार हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कैसे हम एक सज्जन मनुष्य बन सकते हैं आदि। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।